नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, वरुण धवन की दुल्हनिया बनेंगी जानवी कपूर। जी नहीं, वरुण धवन जानवी से दूसरी शादी नहीं करने जा रहे, बल्कि करण जौहर की अगली फिल्म में इन दोनों की जोड़ी होगी। 2014 में आई थी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और इन दोनों में वरुण की हीरोइन थी आलिया भट्ट। लेकिन चूंकि आलिया भट्ट बिजी है, इसीलिए करण जौहर ने फाइनल किया है अपने स्टूडेंट जानवी कपूर को। वरुण धवन को भी करण जौहर ने 2012 में लॉन्च किया था स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से, और धड़क से 2018 में आई थी उसे जानवी कपूर को लॉन्च किया था। और अब इन दोनों को लेके फिल्म बनाने जा रहे हैं दुल्हनिया पर, जिसके डायरेक्टर रहेंगे शशांक खेतान। डियर वरुण, क्यों दूसरी बार बवाल मचाने जा रहे हो? आपको साजिद नडियादवाला की फिल्म बवाल का हाल पता नहीं इतना बुरा हुआ था, लोग खरीदने को तैयार नहीं थे और मजबूरन साजिद को OTT पर बेचकर घाटा उठाना पड़ा था। शाहरुख खान की बायोपिक है वेब सीरीज स्टारडम। जी हाँ, खबर है कि आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनकी वेब सीरीज शाहरुख खान की बायोपिक है। ये दिल्ली से आए एक युवक की कहानी है जो एक स्टार बनने के लिए मुंबई आता है, और इस वेब सीरीज में बॉलीवुड के कई स्टारों का कैमियो रोल है, जैसे कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करण जौहर और भी ढेर सारी पर्सनैलिटी। आपको पता होगा कि 2007 में शाहरुख खान की फिल्म आई थी ओम शांति ओम, और उसमें गाना था दीवानगी, उसमें पूरी इंडस्ट्री ने डांस किया था। मिस्टर शाहरुख, उम्मीद है कि आर्यन एक ढंग की वेब सीरीज बनाने में कामयाब होंगे, वरना अक्सर जो बॉलीवुड के विषय पे फिल्में या वेब सीरीज बनती हैं, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कैटरीना और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस है तमिल और हिंदी में। 2024 की पहली बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है 12 जनवरी को, जिसके डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन, जिन्होंने बदलापुर और अंधाधुन जैसी हिट फिल्में दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीराम राघवन ने बताया कि ये फिल्म तमिल और हिंदी भाषा में एक साथ शूट की गई है। कैटरीना इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित है और उनको यकीन है कि लोग उनको इस रोल में पसंद करेंगे। डियर श्रीराम राघवन, आज तक तो कैटरीना ने एक्टिंग ढंग की नहीं है, उम्मीद है कि आप मैरी क्रिसमस में उनसे ढंग का काम निकालने में कामयाब रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मैरी क्रिसमस। करीना कपूर पहली बार साउथ की फिल्म में। जी हाँ, करीना कपूर हीरोइन बनेंगी यश की KGF फेम वाले, पिक्चर का नाम है टॉक्सिक। इसे डायरेक्ट करेंगी गीतू मोहनदास। ये KGF 2 के बाद यश की पहली फिल्म है। वैसे कॉफी विद करण में करण जौहर ने करीना से पूछा था कि साउथ में किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी, प्रभास, रामचरण, विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन या यश। करीना ने कहा कि वो KGF की बहुत बड़ी फैन है और डेफिनेटली यश उनकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है, और कहना नहीं होगा यश की हीरोइन बन गई है करीना कपूर। मैडम करीना, चलो बुढ़ापे में आपको कम से कम साउथ की फिल्मों के मेन लीड तो रोल ऑफर हो रहे हैं, वरना यहाँ पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको सेकंड और थर्ड लीड ही रोल मिलते थे। अक्षय कुमार 2024 में भी लेंगे 100 से ज्यादा हॉलीडे। जी हाँ, 18 साल से अपने खिलाड़ी अक्षय कुमार की रूटीन रही है कि साल में वो 100 से ज्यादा छुट्टियां अवश्य लेते हैं। 52 संडे, 30 गर्मी की छुट्टियां, 10 दिन जन्मदिन के, 10 दिन दिवाली के और 10 डेज न्यू ईयर के। उनकी रूटीन रहती है मंडे टू सैटरडे शूटिंग करना, टाइमिंग 9 to 6, और साल में 4 या 5 फिल्में करते हैं। इस साल उनकी फिल्में रहेंगी वेलकम टू द जंगल, जो शायद बंद होने जा रही है, हाउसफुल 5, जॉली LLB 3 और बची हुई अटकी फिल्में। इसके साथ ही अक्षय 20 ब्रांड को एंडोर्स करेंगे। 6 महीने के गैप के बाद जो पहली बार होने जा रहा है, उनकी फिल्म आएगी ईद पर बड़े मियां छोटे मियां। उनकी लास्ट फिल्म आई थी 6 अक्टूबर 2023 को मिशन रानीगंज। मिस्टर खिलाड़ी, उम्र के इस मुकाम पर थोड़ा स्लो हो जाइए बेटर है, 4-5 फिल्मों की जगह 2 या 3 ढंग की फिल्में कीजिए जो दर्शकों के दिमाग पर एक प्रभाव डालने में कामयाब रहे। उम्मीद है 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा, न कि 2023 जैसा जिसमें लाइन से आपकी फिल्में फ्लॉप आई थी। भूमि पेडनेकर करना चाहती है OTT के लिए वेब सीरीज। 35 साल की भूमि पेडनेकर ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की 2015 में दम लगा के हैशा से। 9 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उनको उम्मीद थी। उनकी कई सारी फिल्में आई, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान, पति पत्नी और वो, सांड की आंख, बधाई दो, अफवाह, और इस साल थैंक यू फॉर कमिंग और द लेडी किलर। इन सब में उनके सेकेंड लीड रोल थे या एवरेज काम था, लिहाजा उनकी दिली ख्वाहिश है कि OTT पे उनके लायक कोई अच्छा वेब सीरीज मिले तो उसमें काम करें। वैसे उनकी 2 फिल्में फ्लोर पर हैं, रेड चिली की भक्षक और एक मेरे हस्बैंड की बीवी। मैडम भूमि, आपकी उम्र ढलती जा रही है, वेब सीरीज तो ठीक है, शादी करके घर बसा लें, आपकी पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए।
दोस्तों, क्या आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, पैन इंडिया पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट या बेचना चाहते हैं, या किसी नई फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आपको कोई सेलिब्रिटी फिल्म टीवी या कोई मॉडल ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्राइवेट इवेंट्स के लिए या फिल्म में लेना चाहते हैं? आपकी सभी सवालों का हल है हमारे पास। विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 9820080299। नरेंद्र गुप्ता, थैंक्स। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमोस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।